हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो बजाज कंपनी के इंडक्शन के ऊपर में रहेगा। दोस्तों जो इंडक्शन है बजाज का, उसका मॉडल नंबर क्या है? IC8 मॉडल है। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, E4 का एरर कोड। ओके दोस्तों, E4 का जो एरर कोड आता है वो कौन सा एरर कोड है? दोस्तों इसके वीडियो में आपको डायग्राम भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, और कौन से IC पे कितना वोल्टेज आएगा तो E4 का एरर कोड नहीं आएगा। ओके तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखते हैं कि हमारे पास एक PCB है जो बजाज का है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पे क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहां से मैं समझ लो यहां से ऑन करूंगा, यहां से मैंने ऑन कर देता हूं, और यहां से मान लो ऑप्शन दूंगा तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि E4 का एरर कोड आ रहा है। ओके दोस्तों, E4 का एरर कोड ये कौन सा सेक्शन का एरर कोड है, पहले इसका थ्योरिकल समझ लेते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके दोस्तों सबसे पहले यहां पे आपको डायग्राम पे फोकस करना है। दोस्तों जो सेक्शन की प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हुई है उसी सेक्शन का मैं डायग्राम बनाया हूं, और कौन से IC पे कितना वोल्ट जाता है उसमें इस IC का यहां पे डेटा शीट भी दूंगा। ओके तो सबसे पहले यहां से हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा एक न्यूट्रल लाइन होता है और एक फेज लाइन होता है। ओके दोनों AC वोल्टेज यहाँ पे 230 वोल्ट यहाँ से AC गुजरता है। ओके ये हमारा AC वोल्टेज हो गया, यानी अल्टरनेटिंग करंट हो गया। ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जाओगे तो एक 10 एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज मिलता है, 10 से 15 एम्पियर का फ्यूज लगा रहता है नॉर्मली इंडक्शन कुकर में। उसके बाद फ्यूज के बाद दोस्तों एक कैपेसिटर लगा रहता है जो लाइन फिल्टर बोलते हैं, वो कैपेसिटर की वैल्यू रहती है 2 माइक्रोफैराडे, 275 वोल्ट AC का रहता है। ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे डायोड मिलता है, जो आपको यहाँ पे डायोड मिलता है वो 4007 डायोड मिलता है। IN यहाँ पे 4007 डायोड मिलता है जो पावर सप्लाई में लगा रहता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों एक न्यूट्रल लाइन से डायोड लगेगा और एक हमारे यहाँ फेस लाइन से डायोड लगेगा। उसके बाद दोस्तों दोनों का जो कैथोड होता है वापस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और डायोड लगता है जो 4007 डायोड लगता है। उसके बाद दोस्तों 4007 डायोड लगने के बाद में यहाँ को हमको क्या मिलता है, प्लस वोल्टेज मिल जाता है, DC वोल्टेज मिल जाता है। यहाँ से हम AC इनपुट देते हैं तो 3 डायोड लगने के बाद में हमको यहाँ पे DC वोल्टेज मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 22 ओम का रेजिस्टेंस लगता है, जो 22 ओम का रेजिस्टेंस लगता है वो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है। हो सकता है 22 ओम के जगह पे किसी किसी PCB में वहाँ पे 10 ओम का भी रहता है, किसी किसी में 51 ओम का भी रहता है, तो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा सीधे आगे पावर सप्लाई में जाता है, जो हमको पावर सप्लाई से वो यहाँ पे सेक्शन को नहीं देखना है, हमारा जो सेक्शन है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाली सेक्शन को देखना है। ओके तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे कि हमारा दो डायोड लगने के बाद में जो कैथोड पॉइंट होता है आपस में शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों रेजिस्टेंस लगता है। दोस्तों जो रेजिस्टेंस यहां पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो लगा है यहां पे 200 के का रेजिस्टेंस लगा है, जो हाफ वाट में रेजिस्टेंस है। यहां से समझ लो यहां से करंट आगे आता है, फिर ये रेजिस्टेंस में यहां पे वोल्टेज आएगा, उसके बाद फिर यहां से हमारा समझ लो आउट होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे आप देख रहे हो एक PF लगा रहता है जो 102 KB का रहता है, यानी 102 किलो वोल्ट का PF लगा रहता है। ओके यहां पे देख सकते हैं यहां पे एक PF लगा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि रेजिस्टेंस के बाद में एक और रेजिस्टेंस लगेगा। ओके ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, यहां पे समझ लो 230 वोल्ट DC यहां पे मिला। उसके बाद रेजिस्टेंस के माध्यम से फिर हमको यहां पे 230 वोल्ट मिलेगा, फिर यहां पे हमको वोल्टेज मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से वोल्टेज मिलने के बाद फिर यहां पे हमको वोल्टेज मिल जाएगा, फिर दोस्तों यहां पे हमको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट और वोल्टेज को दोनों को ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके उसके बाद दोस्तों ये सीधे हम ट्रैक को पकड़ेंगे। दोस्तों जो हमारा ट्रैक जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों एक 10K का रेजिस्टेंस मिलेगा जो क्वार्टर वाट में रहेगा। एक यहाँ पे 10K रेजिस्टेंस के बाद में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करोगे तो यहाँ पे 6 वोल्टेज आएगा, और इस रेजिस्टेंस के बाद में हमको यहाँ पे 10K रेजिस्टेंस को क्या करता है, वहाँ पे लगाने वाले वोल्टेज को ड्रॉप करके हमको यहाँ पे मिलेगा 3 वोल्ट। ओके यहाँ पे हमको 3 वोल्ट मिला। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 10K रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे ग्राउंड भी करते हैं। उसके बाद ग्राउंड करने के बाद दोस्तों यहां पे एक कैपेसिटर लगेगा, कौन सा कैपेसिटर लगेगा, 100 माइक्रोफैराडे 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहां पे लगेगा। कैपेसिटर के बाद में दोस्तों ये ट्रैक सीधे जाते हैं हमारे आईसी के 11 नंबर पिन के, तो हमको यहां पे 11 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 3.3 वोल्ट मिलेगा हमको यहां पे आईसी के 11 नंबर पिन पे। दोस्तों ये हमारा कौन सा वोल्टेज है, दोस्तों ये हमारा जो है वोल्टेज जो हमारा है यहां पे लो वोल्टेज का नहीं हाई वोल्टेज वाला है। ओके ये हमारा हाई वोल्टेज का है, यहां पे हाई वोल्टेज का है यहां पे 11 नंबर पिन पे, ये हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे और बता रहा हूं, दोस्तों ए ट्रैक को हम सीधे पकड़ेंगे, तो सीधे पकड़ेंगे दोस्तों तो एक 200 का रेजिस्टेंस मिलेगा। 200 के रेजिस्टेंस में यहां पे सीधे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 33 के रेजिस्टेंस को लगा के यहां पे ग्राउंड भी कर दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों सीधे आगे बढ़ेंगे तो एक और यहां पे समझ लो यहां पे एक PF लगता है जो आपको सेरामिक PF बोलते हैं, यहां पे 220 का लगाता है PF। ओके उसके बाद दोस्तों जो इस सीधे IC के 1 नंबर पिन पे जाएगा यहां पे हमको मिलेगा 1.5 वोल्ट। ओके अब दोस्तों बात
करते हैं कि आईसी के दो नंबर पिन पे, कौन कौन पिन पे, एक नंबर पिन पे और 11 नंबर पिन पे। एक नंबर पिन पे जो हमारा 1.5 वोल्ट मिलता है, ये हमारा रहता है समझ लो लो वोल्टेज का, यहाँ पे लो वोल्टेज का रहता है। अगर दोस्तों मान लो कि सबसे पहले क्या होता है कि ए रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, ये 200 के रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, तो एक नंबर पिन पे वोल्टेज जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, तो नहीं जाएगा तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, तो क्या एरर कोड आएगा हमारा, यहाँ पे E5 का एरर कोड आएगा जो हमारा रहता है लो वोल्टेज का, यहाँ पे हमारा रहेगा लो वोल्टेज का। ओके, E5 का एरर कोड नोट कर लेना। अगर मान लो दोस्तों कि आपको समझ लो ए वाले पिन पे जा रहा है वोल्टेज, यहाँ 200 का रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, यहाँ पे जा रहा है, बट क्या होता है दोस्तों कि मान लो कि आपको यहाँ पे मैंने ए वाला रेजिस्टेंस को ओपन कर देता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस को ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आपको 3.3 वोल्टेज मिलेगा क्या 11 नंबर पिन पे? नहीं मिलेगा ना। तो इसमें अगर मान लो यहाँ पे 11 नंबर पिन पे अगर मान लो 3.3 वोल्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या वोल्टेज आता है, ई यहाँ पे आएगा हमारा हाई वोल्टेज का, यहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज का आएगा जो यहाँ पे क्या क्या इरर शो करेगा, E4 का इरर कोड शो करेगा दोस्तों। ओके, ये दोस्तों जब डायग्राम आपको बता रहा हूँ, ये बजाज का IC8 का ही डायग्राम बनाया हूँ और इसको मैं आपको डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अब बात करने वाले हैं दोस्तों, मान लो कि अगर ए रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, कौन सा रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, ए रेजिस्टेंस ओपन हो जा रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस, ए वाला, तो अगर ए वाला रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि ना एक नंबर पिन पे वोल्टेज जाएगा ना 11 नंबर पिन पे वोल्टेज जाएगा, तो कौन सा एरर कोड आएगा दोस्तों, तो आपको जो एरर कोड मिलेगा हाई वोल्टेज का हमेशा एरर कोड मिलता है, तो E4 का ही एरर कोड मिलेगा। ओके, क्योंकि जो भी इंडक्शन के पीसीबी मान लो कि दो एरर आता है, एक आता है लो वोल्टेज का, एक आता है हाई वोल्टेज का। अगर मान लो कि जो मेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, हमेशा अधिकतम पीसीबी में तीन रेजिस्टेंस से हमारा हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के यहाँ पे सेक्शन को बनाते हैं। ओके, अगर मान लो कि मेन रेजिस्टेंस से यहाँ पे आता है, उसके बाद क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस में सप्लाई यहाँ पे बांटता है आपस में, यहाँ पे मिलेगा सप्लाई फिर आगे मिलेगा, अगर यही रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है तो हमेशा आपका हाई वोल्टेज का एरर कोड मिलता है। ओके, यहाँ पे फोकस करना, अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इसका थ्योरिकल आप समझ लेना और डायग्राम को आपको अच्छे से कॉपी पेन में नोट कर लेना, उसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा दोस्तों कि 11 नंबर पिन पे हमारा वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो आपको वहां पता चल गया 11 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा, हो सकता है कि ये 200 के रेजिस्टेंस ओपन होगा, या हो सकता है ये वाला रेजिस्टेंस ओपन होगा, या हो सकता है 10 के कभी रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो कि 10 के अगर रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है तभी भी आपका समझ लो 11 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं आएगा, इतना तो आप तो जान जाओगे। उसके बाद भी अगर मान लो वोल्टेज अगर मान लो सब चीज सही है और 11 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा, इसका प्रैक्टिकल करके आपको बताने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा हो गया न्यूट्रल और हमारा हो गया फेस। ओके दोस्तों, न्यूट्रल लाइन और फेस लाइन, फेस लाइन से दोस्तों यहाँ पे एक फ्यूज लगा रहता है, 10 एम्पियर का फ्यूज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे फ्यूज के बाद में दो डायोड मिलता है, ये दोस्तों हमारा देख लो, ये हमारे न्यूट्रल लाइन से डायोड लगा है और हमारा है फेस लाइन से डायोड लगा है। दोस्तों यहाँ पे डायोड में एसी वोल्टेज देते हैं दोनों में, यहाँ पे न्यूट्रल लाइन से डायोड में एसी देंगे, यहाँ पे फेस लाइन से एसी देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ दोनों डायोड का यहाँ पे समझ लो कैथोड जो था आपस में शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे डीसी वोल्टेज मिलने लगेगा। डीसी वोल्टेज मिलने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है 200 के रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दो रेजिस्टेंस और लगा है 200 के 200 का। दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो लगा है उसके बाद दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है। तो सबसे पहले वोल्टेज को हमको चेक करते जाना है कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सप्लाई दे देता हूँ और हमको वहाँ पीसीबी को बैक साइड से बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो दोनों डायोड आपस में शॉर्ट होता है। ओके, तो हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 218 वोल्ट मिल रहा है। ओके, उसके बाद दोस्तों ये रेजिस्टेंस में हमारा इन होता है। अब रेजिस्टेंस वोल्टेज को चेक करेंगे तो हमको कितना मिल गया, 217 वोल्टेज, यहाँ पे 217-218 वोल्ट मिल गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमको ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा जो 200 के रेजिस्टेंस है, हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पे हमको ओनली फॉर मिल रहा है 60-70 वोल्ट करीब मिल रहा है, समझ लो 6-8 वोल्टेज यहाँ पे हमको मिलने लगा। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो पार्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहता है, एक लगा रहता है हाई वोल्टेज के लिए और एक लगा रहता है लो वोल्टेज के लिए। तो दोस्तों हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ए वाला रेजिस्टेंस है, ए हमारा समझ लो हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस है और जो ए वाला रेजिस्टेंस देख लो हमारा लो वोल्टेज का रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ ए रेजिस्टेंस में भी हमारा वोल्टेज इन हो रहा है और ए वाले रेजिस्टेंस में भी हमारा वोल्टेज इन हो रहा है। ओके, अब दोस्तों लोड के बाद में चेक करेंगे, यानी समझ लो रेजिस्टेंस के आउटपुट में चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हमारा हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस में चेक करेंगे। तो हाई वोल्टेज में रेजिस्टेंस में आपको बता दिया था कि थ्योरिकल में 1.5 के करीब में मिलेगा। ओके, तो दोस्तों यहां पे हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस के लोड में चेक करेंगे तो हमको यहां पे कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा जो आपको थ्योरिकल में आपको बता दिया था। ओके दोस्तों, 1.5 वोल्टेज मिल गया, यानी हमारा यहां पे समझ लो हाई वोल्टेज का वोल्ट मिल गया 1.5। दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर आईसी का आपको बताया था कि एक नंबर पिन पे, तो हम वो एक नंबर पिन पे चेक कर लेते हैं कि 1.5 पा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको यहां पे 1.5 पा रहा है। ओके,
यहाँ हमारा समझ लो हाई वोल्टेज का यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। अगर यहाँ पे 1.5 नहीं आता तो हमको आपको थ्योरिकल में बताया था जो जो कंपोनेंट को चेक करने के लिए, तो ये रेजिस्टेंस को चेक करते ओके, तो हमारे यहाँ पे समझ लो रेजिस्टेंस सही है। उसके बाद दोस्तों जो लो वोल्टेज का हमारा है उसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे लो वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पे हमको समझ लो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है जो आपको बताया था कि 3 वोल्ट के करीब में आता है, तो यहाँ पे हमको 3 वोल्ट मिल रहा है ओके। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे सीधे ट्रैक को आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 10 के रेजिस्टेंस आपको बताया था कि 10 के रेजिस्टेंस लगा है जो यहाँ पे सीधे 10 के रेजिस्टेंस के माध्यम से 11 नंबर पिन पे जाएगा, तो हमारे 11 नंबर पिन है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको बताया था कि रेजिस्टेंस में हमको वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे कम से कम आपको 6 वोल्टेज करीब मिला लेकिन हमको यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 वोल्ट क्यों मिल रहा है, हो सकता है रेजिस्टेंस ओपन होगा या हो सकता है आगे सप्लाई ड्रॉप कर रहा होगा। अगर रेजिस्टेंस ओपन रहेगा तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज 6 के जगह पे हमको 3 मिल रहा है। हो सकता है आपका आईसी से हो सकता है कि जो आईसी का 11 नंबर पिन होगा वो शॉर्ट होगा, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। या हो सकता है यहाँ पे जो पीएफ देख सॉरी यहाँ पे आप कैपेसिटर देखो 100 uF 25 वोल्ट का, हो सकता है कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे पहले क्लियर करेंगे कि कौन सी कारण की वजह से हमको यहाँ पे 6 वोल्ट के जगह पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 3.3 मिल रहा था, हमको यहाँ पे 6 वोल्ट मिलना चाहिए, तो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा था, हो सकता है रेजिस्टेंस ओपन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा मान लो कोई सा भी यहां पे रेजिस्टेंस लगता है कहीं भी लगता है, अगर वोल्टेज को ड्रॉप करता है तो यहां पे लोड में जो रेजिस्टेंस लगा रहता है इसको ओपन कर लिया करो। ओपन करने के बाद यहां पे वोल्टेज को चेक करना है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे यहां पे वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं, तो हमको यहां पे चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो हमको यहां पे चेक कर रहे हैं, तो यहां पे मल्टीमीटर को थोड़ा सा मैं और रेंज में रख लेता हूं। दोस्तों आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हमको 6 वोल्ट करीब मिलना चाहिए, बट यहाँ पे हमको 3.3 वोल्ट मिल रहा है। दोस्तों इस पोजीशन में आपको हो सकता है रेजिस्टेंस ओपन होगा, या हो सकता है कि आगे में शॉर्टिंग होगी, हो सकता है कि आपका पीएफ यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है या आईसी के 11 नंबर पिन शॉर्ट हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर लेते हैं, अगर वैल्यू सेम रहेगी तो हो सकता है आगे उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमको वोल्टेज बढ़ के मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोड में रेजिस्टेंस दिया था उसको ओपन कर लिया, हो सकता है यहाँ पे 70 से 80 वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओके, 70 के करीब में मिलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 10 के है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 के में सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे चेक करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी यहाँ पे बता रही है, तो यहाँ पे लगभग समझ लो 10 के करीब यानी परफेक्ट बता रही है दोस्तों, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सही है। अब दोस्तों रेजिस्टेंस सही है बट फिर भी क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज आगे पास नहीं हो रहा, तो हमको यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे आगे कोई ना कोई यहाँ पे जो कंपोनेंट है यहाँ पे शॉर्ट है, कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, आईसी शॉर्ट हो सकता है, इसको कंफर्म कर लेते हैं ओके। अब दोस्तों मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया, तो हमको यहाँ पे 6 वोल्ट के करीब में मिलना चाहिए, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, लगभग यहाँ पे 60 से 70 वोल्ट आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मल्टीमीटर को रेंज में 200 में रखा हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे हमको कितना वोल्ट मिल रहा है, 83 करीब में मिल रहा है, यानी समझ लो 83 यानी 83 वोल्टेज करीब में मिल रहा है ओके। दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो शॉर्टिंग है हमारा यहाँ पे पीएफ हो सकता है, यहाँ पे आईसी हो सकता है, तो सबसे पहले पीएफ को बाहर निकाल लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं ओके। तो दोस्तों पीएफ को बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर से वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, तो हमारा हो सकता है पीएफ शॉर्ट रहेगा तो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा होगा, तो एक बार वोल्टेज को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे वोल्टेज को देख रहे हैं तो हमको भी यहाँ पे 83 करीब में मिल रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, लोड लगाएंगे उसके बाद वोल्टेज को चेक करेंगे परफेक्ट ओके। दोस्तों मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को निकाल लिया, कैपेसिटर को पहले चेक कर सकते, हो सकता है कभी कभी कैपेसिटर आपस में शॉर्ट हो जाती है तो वोल्टेज को ड्रॉप करती है, तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखेंगे और उसके बाद कैपेसिटर की यहाँ पे चेक कर लेंगे ओके। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कैपेसिटर को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे रीडिंग सही दिखा रहा है, यहाँ पे कोई यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिखा रहा है ओके। यहाँ पे मैं कैपेसिटर को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है आपको, यहाँ पे मीटर में देखने के लिए मिल जाएगा कोई शॉर्टिंग नहीं है ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा क्लियर हो गया कि कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं है। अब दोस्तों जो 11 नंबर पिन पे जाता है तो हमारा 11 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देते हैं, रेजिस्टेंस को भी लगा देते हैं। दोस्तों माइक्रो कंट्रोल आईसी को बाहर निकाल के उसके बाद 11 नंबर पिन पे वोल्टेज को चेक कर लेंगे। हो सकता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा होगा, कहीं आईसी शॉर्ट हो गया होगा तो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा होगा, तो इसको कंफर्म पहले कर लेते हैं ओके। दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 के रेजिस्टेंस को यहाँ पे लोड लगा दिया है, लोड लगाने के बाद यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा दिया है। दोस्तों अब क्या करेंगे, 11 नंबर पिन पे सीधे वोल्टेज को चेक करेंगे। दोस्तों 11 नंबर पिन पे वोल्टेज को चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 11 नंबर पिन पे वोल्टेज को चेक करूँ तो यहाँ पे हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब क्या करेंगे, इस पोजीशन में अपने माइक्रो कंट्रोलर आईसी को बाहर निकालेंगे ओके।
ओके दोस्तों, माइक्रो कंट्रोल आईसी को बाहर निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बजर का आवाज नहीं आएगा, बट यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर माइक्रो कंट्रोल आईसी का 11 नंबर पिन शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम चेक करते हैं तो कितना वोल्टेज हमको यहाँ पे मिल रहा है। 11 नंबर पिन पे चेक करते हैं तो हमको यहाँ पे 3.3 वोल्ट करीब में मिलने लगा। ओके, आईसी लगने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 वोल्ट मिलने लगेगा। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मैं पहली बार जो इंडक्शन रिपेयर कर रहा हूँ, पहली बार ईयर कोड में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के ईयर कोड में आईसी को यहाँ पे खराब मिला है। ओके दोस्तों, मैं कस्टमर को भी बोल दिया हूँ कि आपका इंडक्शन समझ लो कम बजट में बन जाएगा, लेकिन पहली बार मेरे को पता नहीं था कि आईसी इसका खराब मिलेगा। दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट होता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को चेक करना रहता है कि कैसे वोल्टेज को चेक करेंगे और कहां से प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है और कौन सी कंपोनेंट खराब होती है। ओके दोस्तों, अगर आपको सिद्धांत पता रहेगा तो आप कोई सा भी इंडक्शन को रिपेयर कर सकते हो। तो आपको यहां पे पता चल गया होगा दोस्तों कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में जो रेजिस्टेंस लगता है, अधिकतम रेजिस्टेंस ओपन होता है। बहुत सारे यूट्यूब में मैंने वीडियो बना चुका हूं, बट पहली बार यहां पे देखा हूं कि दोस्तों कि आईसी की प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरे से मिस्टेक हो गया कि मैंने कस्टमर को लो बजट में बता दिया कि कम बजट में आपका इंडक्शन बन जाएगा, कभी मैं चेक नहीं किया था क्योंकि मेरे पास आईसी अवेलेबल नहीं थी। अब दोस्तों 100% मैं श्योर हो गया हूं कि जो इसका आईसी खराब है। अगर कोई यहां पे वीडियो देख रहे हो तो बहुत कोई अगर मान लो समझते होंगे, जो पुराने लोग होंगे उनको भी कंफर्म पता चल जाएगा कि यहां पे आईसी की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्तों यहां पे आईसी की 11 नंबर पिन को यहां पे काट दो। यहां पे आईसी के 11 नंबर पिन को मैंने यहां पे हटा दिया। ओके, अब हटाने के बाद दोस्तों यहां पे हम फिर से सप्लाई देंगे तो बजर का आवाज भी आ जाएगा और हमको यहां पे वोल्टेज भी मिलने लगेगा, बट डिस्प्ले में हमारा E4 का एरर कोड आएगा। यहां पे हमको E4 का एरर कोड आएगा। ओके, करने के लिए मैंने यहां पे आईसी को लगा दिया, बट यहां पे 11 नंबर पिन को ओपन कर दिया। यहां पे सप्लाई दूंगा तो हमारा यहां पे चालू हो जाएगा और 11 नंबर पिन पे हम यहां पे बेस पे चेक कर लेंगे तो हमको यहां पे वोल्टेज भी मिल जाएगा, 3.3 वोल्ट यहां पे मिल जाएगा। ओके तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं इतना ही बता रहा हूं दोस्तों कि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को चेक कर लिया करो। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा और पसंद आया होगा और मेरा डायग्राम बनाने का टेक्निक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंडक्शन से रिलेटेड वीडियो आपको एक दिन के बीच में यहां पे मिलते रहेगा मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बे आई आइकन को दबाने के बाद में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है कि अगर आपके घर के नजदीक पास में इंडक्शन का कंपोनेंट अवेलेबल नहीं हो रहा है तो मेरे से आप ऑनलाइन कंपोनेंट मंगा सकते हो। उसको मंगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाना है, वहां पर rajinduction.com को सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे यहां पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा, उसके बाद दोस्तों शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाओगे तो मेरे पास जो जो कंपोनेंट अवेलेबल है उसके प्राइस यानी कितना उसका समझ लो प्राइस है वो सब वहां पे आपको मिल जाएगा। मेरे पास लगभग ओरिजिनल आईजीबीटी मिल जाएगा जो ओल्ड मिलेगा, ओरिजिनल कैपेसिटर मिल जाएगा जो पीसीबी से निकला वो ओल्ड मिलेगा, विजेकीफर डायोड मिलेगा जो ओल्ड मिलेगा, और यहां पे आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर एसएमडी में ट्रांजिस्टर एसएमडी में पीएफ और बहुत सारे कंपोनेंट आपको यहां पे मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर लिस्ट बनाओ और दोस्तों यहां पे ऊपर में एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना ऑर्डर लिस्ट बना के। दोस्तों 6 घंटे के अंदर मैं आपको एक बिल सेंड करूंगा, उस बिल में अगर मेरे ऊपर भरोसा होगा तो बिल के नीचे में अकाउंट नंबर और वहां पे गूगल पे फोन पे का नंबर है। पैसा अमाउंट पे करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा, आपके घर तक सामान जरूर पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो आपको पसंद आई होगा तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा।